हेलो बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग केस स्टडी का। क्वेश्चन क्वेश्चन में गिवन है, इफ एफएक्स इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन डिफाइन ऑन इंटरवल क्लोज इंटरवल 0 to a, देन इंटीग्रेशन लिमिट 0 to a इज इक्वल टू ऑफ एफएक्स इज इक्वल टू 0 to a एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ये वैसे प्रॉपर्टी होती है, आपको याद भी होगी, ये हमें गिवन है। तो उसने बोला ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको जैसे पांच पार्ट दे रखे हैं, इसमें से पेपर में कोई भी चार करने होते हैं, फिलहाल हम सॉल्व पांचवी करेंगे। इनके आंसर देने हैं इस इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड होके। तो पहला पार्ट आएगा कि 0 to a fx अपॉन में fx प्लस fa माइनस x का आंसर होगा क्या। देखो फर्स्ट पार्ट को करते हैं हम लोग, हमें प्रॉपर्टी इसी का यूज करना है क्योंकि हमें गिवेन है। तो 0 to a हमें गिवेन है fx dx अपॉन में fx प्लस f ऑफ a माइनस x। इसमें अगर हमने ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, इसको मैंने आई मान लिया सपोज करो, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जहां भी एक्स है वहां पे ए माइनस एक्स आना है। तो f ऑफ a माइनस x प्लस f ऑफ a माइनस x, मतलब कि दोबारा ये हमारा एफ एक्स ही बन जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को हम लोग ऐड कर सकते हैं क्योंकि इनका डिनोमिनेटर पार्ट सेम है। तो वन अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 2i इज इक्वल टू 0 to a। ये एक ही इंटीग्रेशन में आ जाएगा क्योंकि लिमिट सेम है, तो ऐड हो सकता है एफ एक्स प्लस का एफ ऑफ ए माइनस एक्स, डिवाइड में भी आ गया एफ एक्स प्लस का एफ ऑफ ए माइनस एक्स। ठीक है, ये हमारा कैंसिल आउट होके आ गया 1। 0 to a ये हमारे पास आ गया 1। 1 का इंटीग्रेशन होता है x, लिमिट 0 to a ये हो गया a माइनस 0। 2i इज इक्वल टू आ गया a और i इज इक्वल टू आ गया a/2। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया a/2, बी आंसर इसका सही है। ठीक है, अब हमें सेकंड पार्ट में गिवन है, सेकंड पार्ट में दे रखा है fx इज इक्वल टू sin x माइनस cos x अपॉन में 1 प्लस का sin x। तो हमें f ऑफ π/2 माइनस x निकालना है। तो सेकंड पार्ट में fx गिवन है sin x माइनस cos x अपॉन में 1 प्लस sin x इंटू cos x। f ऑफ π/2 माइनस x होगा sin π/2 माइनस x माइनस cos π/2 माइनस x अपॉन में 1 प्लस ऑफ sin π/2 माइनस x इंटू cos π/2 माइनस x। ठीक है, sin 90 माइनस x इज cos x, cos 90 माइनस इज sin x, 1 प्लस का cos x इंटू साइन x। ठीक है, अगर देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर पार्ट सेम है और ऊपर वाला पार्ट इसका ठीक नेगेटिव है, अगर मैं यहाँ माइनस को मैं ले लूँ तो ब्रैकेट में आएगा sin x माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x इंटू sin x, मतलब माइनस एफ एक्स आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका सेकेंड पार्ट बी इसका आंसर हो गया। क्लियर है, अब देखते हैं थर्ड। थर्ड में हमें गिवन है 0 से π/2 fx की वैल्यू निकालनी है। भाई 0 से π/2 fx की ही हमें वैल्यू निकालनी है। तो देखो i इज इक्वल टू 0 से π/2 हमें एफ एक्स की वैल्यू निकालनी है। अभी हमने जब इसमें प्रॉपर्टी लगाई थी 0 से a की, तो ये हमारे पास f ऑफ माइनस एफ एक्स आ गया था। ठीक है, अगर हम इन दोनों को ऐड करें, अभी हमने जब प्रॉपर्टी लगाई थी तो f ऑफ π/2 माइनस जो एक्स है वो इक्वल टू एफ एक्स आ गया था। तो मैंने प्रॉपर्टी लगाने के बाद इसको डायरेक्टली ये लिख दिया, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मान लो मैंने यहाँ प्रॉपर्टी लगाई तो आएगा ये 0 से π/2 f ऑफ π/2 माइनस x, क्योंकि a की वैल्यू क्या है π/2। अब f ऑफ π/2 माइनस x की वैल्यू कितनी है हमारी, माइनस एफ एक्स आई थी, तो यहाँ पे आ गया माइनस का 0 से π/2 fx। ठीक है, अब अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें तो हमारे पास आएगा i प्लस i इज इक्वल टू, इनको ऐड करेंगे तो आएगा 0, i इज इक्वल टू आ गया 0, मतलब 2i इक्वल टू 0, देन i इक्वल टू 0। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, c इसका आंसर आ गया। क्लियर है, फिर देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमें दे रखा है इफ gx इज इक्वल टू log ऑफ 1 प्लस 10x, देन g ऑफ π/4 माइनस x हमें फाइंड करना है। इफ gx इज इक्वल टू log ऑफ 1 प्लस 10x, तो हमें g ऑफ π/4 माइनस x फाइंड करना है। तो आएगा log ऑफ 1 प्लस 10 एक्स की जगह पे पाई बाई 4 माइनस x। अब यहाँ पे tan a माइनस b का फॉर्मूला रहेगा जो होता है tan a tan पाई बाई 4 माइनस का tan b अपॉन 1 प्लस का tan a, मतलब tan पाई बाई 4 इंटू में tan b tan x।
वन प्लस लॉग, यह आ गया लॉग ऑफ वन प्लस टेन फोर्टी फाइव इज वन माइनस का टेन एक्स अपॉन में वन प्लस का वन इंटू टेन एक्स मतलब टेन एक्स, इसका एलसीएम लूंगा तो आएगा लॉग ऑफ यहाँ पे आएगा वन प्लस टेन एक्स, टेन एक्स से टेन एक्स कट जाएगा तो क्या आएगा टू अपॉन में वन प्लस का टेन एक्स, इसको हम लोग लॉग ए अपॉन में बी को लॉग ए माइनस लॉग भी लिख सकते हैं, तो आएगा लॉग टू माइनस का लॉग वन प्लस का टेन एक्स, और ये हो गया लॉग टू, और लॉग वन प्लस टेन एक्स क्या था एफ एक्स, तो इसको लिख सकते जी एक्स, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग जी एक्स, तो हमारे पास जी ऑफ पाई बाई फोर माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया लॉग टू माइनस का जी एक्स, ये हमारे पास ऑप्शन है लॉग टू माइनस का जी एक्स, ए ऑप्शन हो गया इसका, ठीक है। और लास्ट पार्ट में इसने बोला है कि इसी जी एक्स की हमें इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है जीरो से पाई बाई फोर में, हमें फाइंड करना है जीरो से पाई बाई फोर जी एक्स, इसके अंदर अगर मैं प्रॉपर्टी लगाता हूँ, प्रॉपर्टी अगर हम लोग लगाते हैं जीरो से ए की, तो जहाँ भी एक्स है वहाँ पे क्या आ जाएगा जीरो से पाई बाई फोर, यहाँ पे आएगा जी ऑफ पाई बाई फोर माइनस एक्स, ठीक है। अभी हमने अभी भी कैलकुलेट किया था तो इसकी वैल्यू आई थी फोर्थ पार्ट से, फोर्थ पार्ट से इसकी वैल्यू आई थी लॉग टू माइनस का जी एक्स, ठीक है। तो लॉग टू हमारा कॉन्स्टेंट बाहर हो गया, यहाँ पे आ गया इंटीग्रेशन वन, ये अलग अलग इंटीग्रेशन जा रहा है, और माइनस का यहाँ पे आ गया जीरो से पाई बाई फोर जी एक्स डी एक्स आई, तो ये हो गया हमारे पास आई, आई इज इक्वल टू लॉग टू वन का हो गया एक्स जीरो से पाई बाई टू माइनस का आई, ये आ गया टू आई इज इक्वल टू लॉग टू, और ये हो गया ब्रैकेट में पाई बाई टू माइनस जीरो, आई इज इक्वल टू आ गया पाई बाई, यहाँ पे पाई बाई फोर है ना लिमिट, ये पाई बाई फोर लिमिट है, तो ये आपके पास पाई बाई फोर हो जाएगा, तो आएगा पाई बाई एट लॉग टू, ठीक है। पाई बाई एट लॉग टू हमारे पास, ये इसका बी पार्ट इसका आंसर आ गया, क्लियर है।